हमारे ऑफिस के पास एक सोसाइटी है जहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है। तो कल मैं अपने उस दोस्त से मिलने उस सोसाइटी में गया था। मेरे साथ मेरे ड्राइवर भी थे। तो जब मैं अपने दोस्त से मिलकर वापस आया ना, तो मैंने देखा कि मेरे जो ड्राइवर हैं वो उस सोसाइटी के वॉचमैन से बात कर रहे थे। मुझे देखते ही ड्राइवर वापस गाड़ी के पास आए और उनके साथ ही उस सोसाइटी का वॉचमैन भी आ गया। और मुझे देखकर उस वॉचमैन ने पूछा कि इन्होंने, मतलब मेरे जो ड्राइवर हैं, उन्होंने बताया कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, वो मैं कौन से स्टॉक में लगाऊं। अब ये सुनकर मैं काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि 2.5 लाख रुपए शायद उनके पूरे साल की अर्निंग भी नहीं रही होगी और वो उस पैसे को किसी अनजान व्यक्ति से पूछकर स्टॉक में लगाने के लिए रेडी हैं। और ये सिर्फ उस वॉचमैन की बात नहीं है, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग किसी से पूछकर स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जिसका रीजन यह है कि उन्हें खुद स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए खुद स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं। तो साइज के हिसाब से स्टॉक्स को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है लार्ज कैप स्टॉक्स। इसमें वो स्टॉक्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं और जनरली जिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी जिन कंपनी का जो साइज है वो 20,000 करोड़ से बड़ा होता है, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, SBI, ये सभी लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। अब ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें रिस्क बहुत ही कम होता है। तो अगर मान लीजिए इन कंपनीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो क्योंकि इनका जो साइज है वो काफी बड़ा है और इनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये उन बिजनेस प्रॉब्लम्स को इजिली सॉल्व कर सकती हैं और इस वजह से लॉन्ग टर्म में इनके ऊपर बहुत ही कम रिस्क होता है। बट इनमें इन्वेस्ट करने का डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये कंपनीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, तो इसलिए अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट रिटर्न्स जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं, यानी अपने पैसे को कई गुना करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में रिस्क तो कम होता ही है, लेकिन रिटर्न्स भी उतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं, वो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये मीडियम साइज की कंपनीज हैं। तो जनरली ऐसी कंपनीज जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है, उन्हें मिड कैप कंपनीज माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दूं तो अवंती फीड्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, न्यू जेन सॉफ्टवेयर और इजी ट्रिप प्लानर्स, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे, बट इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन कंपनीज में रिस्क तो लार्ज कैप स्टॉक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उसी हिसाब से रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है, तो वो इजिली 20,000, 30,000 या 40,000 करोड़ की भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए रिलायंस की बात करें, जिसकी मार्केट कैप 16 लाख करोड़ है, तो उसको 32 लाख करोड़ पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके लिए उतने एक्सपेंड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप के स्टॉक्स होते हैं, वो होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनके भी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। तो बेसिकली हर वो कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, उसको स्मॉल कैप स्टॉक माना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दूं तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक, टाटा कॉफी और आइडिया फोर्ज, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, तो हो सकता है इनके बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर ये खुद को एक्सपेंड कर सकती हैं। तो क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं, तो जैसे जैसे बड़ी होंगी आपको उतने ही ज्यादा ये रिटर्न्स दे पाएंगी। यानी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें हाई रिटर्न्स देने के चांस
चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और यही वो स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत इजिली मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पूरी कंपनी भी खत्म हो सकती है, इसलिए इनमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस तो ज्यादा हैं लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अब आपको समझ आ गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, तो चलिए अब ये जानते हैं कि स्टॉक्स को सेलेक्ट करना कैसे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक होता क्या है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक का मतलब है एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा। यानी अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। तो ऐसे में आप कौन सी कंपनी का हिस्सा खरीदना पसंद करेंगे, यानी कौन सी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? तो ये करने का सबसे पहला या सबसे आसान तरीका है उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं या फिर जिसके बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, जिसमें आपको अपने पिछले कुछ महीनों की बैंक स्टेटमेंट खोलनी है और आपको देखना है कि आपने कहां कहां पर खर्चा किया है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कैब सर्विस ली होगी तो इसके लिए आपने ओला या उबर का यूज किया होगा, तो आप सबसे पहले उन कंपनीज के नाम नोट कर लीजिए। इसके बाद हो सकता है कि मान लीजिए आप अपनी कार से जाते हैं तो आपने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया होगा, तो वो पेट्रोल आपने कहां से भरवाया है? अगर मान लीजिए आपने भारत पेट्रोलियम से भरवाया है तो आप उस कंपनी का नाम भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने कोई खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो वो या तो आपने जोमाटो या स्विगी से किया होगा या फिर हो सकता है आपने डोमिनोज से पिज्जा भी ऑर्डर किया हो, तो इनके नाम भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपने अपने घर में पेंट करवाया हो तो कौन सी कंपनी का पेंट करवाया वो भी आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो जिसमें सीमेंट का यूज हुआ हो तो आपने कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज किया वो भी आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे आप जिन जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं आप उन सभी कंपनीज के नाम नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब नाम नोट करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको देखना है कि जिन कंपनीज के नाम आपने लिखे हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं भी या नहीं। ये पता करने के लिए आप उस कंपनी के नाम के आगे शेयर प्राइस लिखकर गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे लीजिए अगर आपने जोमाटो से खाना मंगाया था तो आप जोमाटो शेयर प्राइस लिखकर सर्च करें। अगर वहां पर आपके सामने कोई रिजल्ट खुलकर आ जाता है और आपको उसकी शेयर प्राइस दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक लिस्टेड है, और अगर नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो स्टॉक अनलिस्टेड हो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी का नाम नोट किया है तो जरूरी नहीं है वो कंपनी उसी नाम के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने मार्केट से गुड्डे का बिस्किट खरीदा और अब आप गूगल में सर्च करेंगे गुड डे शेयर प्राइस, तो हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ भी दिखाई ना दे क्योंकि ये जो गुड डे है ये इस प्रोडक्ट का नाम है। जो कंपनी का नाम है वो आपको पीछे दिखाई देगा जो कि है ब्रिटानिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटानिया लिखा है और इवन इसमें तो आगे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का नाम क्या है। और अब आप ब्रिटानिया शेयर प्राइस लिखकर अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ब्रिटानिया कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इस तरीके से आप कंपनी का नाम पता करें और इसमें जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड नहीं है उनको अपनी लिस्ट में से हटा दें और जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके सही नाम यहाँ पर लिख दें। अब जब आपके पास लिस्टेड स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इन सभी कंपनीज को उनके सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड करने से मेरा मतलब यह है कि जो कंपनी सिमिलर टाइप का बिजनेस करती है उन्हें आपको अलग कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपनियां और दोनों बिस्किट बनाने वाली कंपनीज हैं, तो इन दोनों कंपनीज को आप एक साथ रख लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास दो कंपनीज और दोनों कार्स बनाती हैं, तो उनको भी आप एक साथ रख लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी लिस्ट में मोबाइल बनाने वाली दो कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज को भी आप एक कैटेगरी में कर लीजिए। यानी जो सिमिलर टाइप का बिजनेस करने वाली कंपनीज हैं उनको आपने कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है और ऐसे आपके पास 3 से 4 या 5 से 6 कैटेगरीज निकल कर आ जाएंगी। अब जब आपने इन कंपनीज को इनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इन कंपनीज को इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इनके साइज के हिसाब से डिवाइड करना है। अब आपको एक कंपनी का साइज यानी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम गूगल में सर्च करना है और उसके आगे उसके शेयर की प्राइस लिख लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऊपर तो शेयर की प्राइस नजर आएगी लेकिन उसके नीचे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नजर आएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने दो पाइप बनाने वाली कंपनी सेलेक्ट की है जिसमें एक कंपनी का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, तो आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है सुप्रीम इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, और ये लिखते ही आपके सामने उस कंपनी के शेयर
शेयर की प्राइस तो नजर आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिखाई देगी। जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 44.97,000 करोड़, यानी 44,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और अगर मान लीजिए ऐसी आपके पास एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो कंपनी भी पाइप्स बनाती है, तो इसका नाम लिखकर भी आपको सर्च करना है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस। और जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ऊपर उस कंपनी का नाम दिखाई देगा और नीचे आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई देगी जो कि है 12.72,000 करोड़, यानी ये कंपनी 12,000 करोड़ की है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो सुप्रीम है वो एक लार्ज कैप स्टॉक है और जो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है ये एक मिड कैप स्टॉक है। अब जब आपने इन कंपनीज को इनके सेक्टर्स और इनके मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड कर लिया है, तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे जनरली जब मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो वहां पर सिर्फ मिड कैप, सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, वहां पर हम एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लगभग 40-50% जो हमारा अमाउंट होता है वो हम लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी की बचा हुआ 20-30% हम मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ 10-20% हम स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इससे सबसे पहले तो हमारा रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हमारा काफी सारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, तो वहां पर क्योंकि रिस्क कम है इसलिए हमारा रिस्क कम हो जाता है। और इसके साथ ही क्योंकि हमने कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया होता है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाता है जिसमें आपको एक डिसेंट रिस्क लेकर डिसेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप फाइनली 10 स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें से 5 आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 मिड कैप स्टॉक्स में और बचे हुए 2 आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब बारी आएगी जिन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस करने की। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसको एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, इसलिए हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसमें आप कंपनी का बिजनेस एनालिसिस, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसका वैल्यूएशन एनालिसिस और उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। ये एक 46 लेक्चर्स का कोर्स है जिसको बनाने के लिए मैं और मेरी टीम ने पूरे 5 महीने की मेहनत की है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे हमारे कोर्स की प्राइस 5,999 रुपीज है, लेकिन अभी हम हमारे कोर्स के ऊपर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं जिसके बाद आप इस कोर्स को 4499 में बाय कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लॉन्च होते ही हम फर्स्ट 100 यूजर्स को एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, जिसके बाद ये कोर्स फर्स्ट 100 यूजर्स को 3999 रुपीज में मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट 100 कोड यूज करना होगा, लेकिन ये 25% का डिस्काउंट सिर्फ 13th अगस्त तक ही वैलिड है और एक्स्ट्रा 500 रुपीज सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स तक के लिए ही है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आप हमारे कोर्स के 2 लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। ये 2 लेक्चर्स आपको नीरज जोशी ऐप के अंदर कोर्स के कंटेंट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो अभी डाउनलोड करें नीरज जोशी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ये ऐप iOS में भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पर ये माय इंस्टीट्यूट के नाम से है और उसके बाद आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना होगा। ऐप का लिंक और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो अभी तक आपके पास कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जिनका आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और ये देखना है कि ये कंपनीज अच्छी हैं या बुरी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बहुत सारे रेशियोज, इसके अलावा उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके साथ ही उसकी 200 से 250 पन्ने की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होती है, तो ये सब तो यहां पर नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं आपको कुछ 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स बता देता हूं जिनको देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है। तो आपको सबसे पहले जो भी स्टॉक्स की आपने लिस्ट बनाई है उन सभी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, या आप ग्रो या मनी कंट्रोल जैसी किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं। और उनमें से जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है आपने उन कंपनीज को सेलेक्ट कर लेना है। अब जब आपने इन कंपनीज को सेलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में कितना डेट है, यानी कितना कर्ज है, और ये जितना कम हो
उतना बेटर माना जाता है और ये जनरली 1 से तो कम ही होना चाहिए। तो अब आपको उन कंपनीज को अपनी लिस्ट से हटा देना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। क्लियर कर दूं कि इन सभी के बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ कंपनीज में हम 5, 6, 7, 8 भी जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो है उनको भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, इसलिए मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। अब जब आप डेट टू इक्विटी देख लेंगे तो इसके बाद थर्ड चीज जो आपको देखनी है वो है पी रेशियो। पी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी कितनी महंगी मिल रही है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी महंगी मिल रही है और अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी सस्ती मिल रही है। अब देखो, अगर कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है तो वो घटिया भी हो सकती है, कोई चीज बहुत महंगी मिल रही है तो वो अच्छी भी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपको सिंपली और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए जिनका जो पी रेशियो है वो 8 से ज्यादा है और 25 से कम है। ये डेटा भी आपको ग्रो मनी कंट्रोल या ऐसी किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, यानी उसकी सेल्स किस हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा कंपनी की सेल्स बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, और क्योंकि हम उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो हमको भी प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको ऐसी कंपनीज को ही सेलेक्ट करना है जिनकी जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही हो। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम कंपनी की जो सेल्स हैं वो 8% के रेट से तो बढ़ी रही होनी चाहिए। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को कंसीडर करना है जिनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 8% से ज्यादा है। और अगर आप और बेटर इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखना है जो कि 8% से ज्यादा होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा एज एन इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट होगा। तो ये भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब से 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मिनिमम 8% तो होना ही चाहिए। तो ये सारे रेशियो के बेसिस पर आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन सिंपली इतना ही समझाया जा सकता है। अगर मैं आपको सब कुछ सिखाने जाऊंगा तो इसके लिए मुझे पहले बेस करने होंगे, जिनके लिए 8 से 10 वीडियोस बन जाएंगी। तो ये सब हमने हमारे कोर्स में कर रखा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वह सवाल यह है कि अगर मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और दूसरी कंपनी के शेयर की प्राइस 1000 रुपए है, तो यहाँ पर आपको कॉमेंट करके ये बताना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है। मैं और मेरी टीम सभी कॉमेंट्स को पढ़ती है और अच्छे कॉमेंट्स को हम हार्ट भी देते हैं, तो इसलिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारे कोर्स को भी जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।